नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में बात करेंगे भाग्य के बारे में और साथ ही आपको बताऊंगा कि कुंडली के अनुसार किस वर्ष में भाग्योदय होता है। साथियों, कई बार ऐसा लगता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर नवमेश निर्बल हो तो भाग्योदय देरी से होता है। दर्शकों, कुंडली में मुख्य रूप से नवम भाव को भाग्य का भाव माना जाता है। इस भाव में जो भी राशि स्थित होती है उसी के अनुसार भाग्योदय का वर्ष तय किया जाता है। भाग्योदय के वर्ष को जानकर यदि उन विशेष वर्षों में विशेष कार्यों की शुरुआत की जाए तो सफलता मिलने के आसार ज़्यादा होते हैं। नवम भाव के स्वामी ग्रह का रत्न पहनना भी अनुकूलता दे सकता है और भाग्य को बढ़ाता है, लेकिन वहाँ पर यह देखने वाली बात है कि नवमेश की स्थिति कुंडली में अनुकूल हो। दर्शकों, यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही फ्री जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो आप इन वीडियोज को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोग भी इनका लाभ ले पाए। आइए जानते हैं कि किस राशि के नवम भाव में होने से भाग्योदय का वर्ष कौन सा होगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि यानी 5 नंबर की। यदि कुंडली के नवम भाव में सिंह राशि यानी 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसके मालिक सूर्य होंगे और आपका भाग्योदय का जो वर्ष है वह 22वां होगा। बात करते हैं कर्क राशि की, इसके मालिक चंद्रमा ग्रह हैं। कुंडली में नवम भाव में यदि 4 अक्षर लिखा हुआ है तो आपके नवमेश चंद्रमा होंगे और आपका भाग्योदय का जो वर्ष है वह 24वां होगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि की, दोनों के स्वामी मंगल है। यदि कुंडली में नवम भाव पर 1 या 8 लिखा है तो आपका भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है। नवम भाव में यदि गुरुदेव की राशियां कन्या या मिथुन लिखा हुआ है, अर्थात 3 या 6 राशि है, तो भाग्योदय का जो वर्ष है वह ज्योतिषियों ने 32 वर्ष बताया है। नवम भाव पर यदि धनु या मीन राशि यानी बृहस्पति देव देवगुरु की राशि है तो भाग्योदय का वर्ष 16 होता है। नवम भाव पर यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि तुला या वृष है तो भाग्योदय का वर्ष ज्योतिषों ने 25 बताया है। शनिदेव की राशि यदि आपके भाग्य स्थान पर है, मकर या कुंभ, 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है तो इसके मालिक शनिदेव होंगे और जैसा कि शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है तो भाग्योदय का वर्ष 36 होगा। इसके अलावा नवम भाव पर यदि राहु या केतु का प्रभाव है तो भाग्योदय के वर्ष क्रमशः 42 और 44 होंगे और सूर्य के साथ अगर युति बन रही है तो पितृदोष भी माना जाता है। इसके अलावा जो भाग्योदय का वर्ष मैंने आपको बताया उसमें भी यह देखने वाली बात है कि नवमेश निर्बल ना हो। अगर नवमेश निर्बल है या नीच के हैं या अच्छे स्थानों पर विराजमान नहीं हैं या पावर में कम हैं तो आपको पूर्ण परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके लिए अपनी कुंडली का सही से ज्योतिषी आकलन करा करके नवमेश को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि इस बारे में आपकी कोई अन्य क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।